अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तोहफा या अली अलैहि सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदई फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यिमा बकियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, हमारा ईमान, शऊर इंसानी, शऊर हयात और शऊर बशरियत का मंबा, महवर और मरकज़ है। करबला मौला में मौजूद हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 22 मार्च 2023 ईस्वी है और 29 शाबानुल मौज़म 1444 हिजरी कमरी है। बुध का दिन चार आइमतहरीन अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन चार आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज के दिन हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1120 बारगाह अक़दस से अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं और शुक्र अदा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला का कि एक और दिन उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे मौलाना क़िबला सैयद अली अब्बास रिज़वी इलाहाबादी साहब, और खुदावंद मुताल हम सब पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाता है और जब जब उसकी नेमतों का एहसास हो तो हमें नेमतों का मज़ीद शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस ज़िक्र और अहले बैत अलैहिस्सलाम की इस नेमत पर हमें अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल्लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमदान अज़ीम की आमद आमद है, मुतवक्के है कि कल पहली रमदान अज़ीम हो और हम रमदान अज़ीम में माह सयाम से फैज़याब हों और अल्लाह ताला की इस पुरबरकत ज़ियाफ़त के अंदर हम शरीक हो जाएं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला जो मोमिन नादार हैं, परेशान हैं, मुफलिसुल्हाल हैं, उनका जो माली मसाइल हैं अल्लाह ताला उनके हल फरमाए। और कोशिश कीजिएगा चे जाए कि ऐसे इदारों में जहां पर आपको रसीदें मिलती हों, आपके नाम को बोर्ड पे लिखा जाता हो और लोगों के दरमियान आपकी खुदनुमाई हो, उससे बेहतर है कि आप जो आपके करीबी हैं, अज़ीज़ हैं, हमसाए हैं, दोस्त हैं, जिनको आप समझते हैं हकदार हैं, मुस्तहिक हैं और उनके माली अखराजात पूरे नहीं होते, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो कीजिएगा ताकि आपको सवाब जो हासिल होना है वो अल्लाह तबारक व ताला से ही हासिल हो, ना ये कि आपको नाम और शोहरत का सवाब हासिल हो। बल्कि हमें चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने कराबत दारों की खबरगिरी करें इस रमज़ान अज़ीम में कि उनके घरों में कोई मुश्किल तो नहीं है, रोज़े रखने में प्रॉब्लम, मुश्किल तो पेश नहीं आ रही है और उनके घरों में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कहीं वो रोज़े नादारी के सबब से ना रख सकें और गुनाह आपके ऊपर आए, कहीं ऐसा ना हो कोई भूखा अफ्तार करे और भूखा सहरी रख ले और तबीयत ख़राब हो। तो कल हमसे सवाल होगा, हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाते हैं, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं हुआ करते, लिहाजा हमें इस माह सयाम में हुकूकुल इबाद का ख्याल करना है। अपने घर वालों की मुनासिब और वाजिब ज़रूरियात पूरी होने के बाद उसके बाद हमें अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, कराबतदारों की तरफ निगाह करनी है, उनके हालात की तरफ तवज्जो करनी है, उनकी मुश्किलात को दूर करने की तरफ हमें साई करनी है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी मुश्किलात खुद ब खुद दूर करता चला जाएगा। रमज़ान अज़ीम अल्लाह ताला का वो प्यारा महीना है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें फरावान हो जाती हैं और अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें, रहमतें हमारे ऊपर अरज़ान होती चली जाती हैं। लिहाजा हमें अल्लाह तबारक व ताला की इस ज़ियाफ़त भरे महीने में अनफासुकुम फ़ीहि तस्बीह, अल्लाहु अकबर, इसके अंदर सांस हमारा लेना तस्बीह शुमार हो जाता है, व नौमुकुम फ़ीहि इबादा, और इसमें हमारा सोना इबादत शुमार होता है। करीम है वो, हम पर रहम करता है, और दहान से, मुंह से अगर थोड़ी बहुत बू सी आती है तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि इस बू को मैं अतर से ज़्यादा पसंद करता हूँ। लिहाजा हमें तवज्जो करनी है इस जिक्र पर और
इस रमज़ान अज़ीम पर। इसमें सबसे पहला जो फरीज़ा है हमारे ऊपर वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत और उस पर यकीन करना है और उसका प्रचार करना और तबलीग करना है। और दूसरा फरीज़ा हमारे ऊपर इसके अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत जो इस माह रमज़ान में हुई उसको लोगों तक पहुँचाना है, जिनमें बीबी खदीजा दो आलम खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत विसाल है 10 रमज़ान अज़ीम को। 15 रमज़ान अज़ीम में जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद है। 19 रमज़ान अज़ीम के दिन हम सुनते हैं, देखते हैं, मनाते हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दरबत की तारीख है, और 21 रमज़ान अज़ीम को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की कूफा में शहादत है। मुसीबतें अहले बैत अलैहिस्सलाम पर अनगिनत और लातादाद रहीं और इनका हमने एहसास करना है, दर्क करना है, मनवाना है, सुनाना है, बचाना है अपने लिए, अपने अकीदे के लिए। लिहाजा रमज़ान अज़ीम में हमने ख़ास तवज्जोहात अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ रखनी है। रमज़ान अज़ीम से मुतालिका काफ़ी सारी अल्लाहु अकबर कुतुब देख रहे हैं और दुनिया में मिलती हैं, जिनके अंदर जिसके अंदर हम देखते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के से मुतालिका हमने ये माहौल को आम करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो हमें कोशिश तो करते ही रहना है। इस कोशिश के अंदर हमें मौला की तरफ खसूसी तौर पर हमें तवज्जो करना है। अच्छा, रमज़ान अज़ीम अल्लाह तबारक व ताला की उन नेमतों में से है जिसका इदराक अपने तो अपने पराए भी करने लगे हैं। मसलन तहकीक की गई कि उन्हें नोबल प्राइज़ मिला, नोबल प्राइज़ किस चीज़ पर मिला कि उन्होंने कैंसर का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। उसका इलाज क्या था पूछा गया तो फरमाया कि 30 दिन तक सुबह से लेकर तुलुए सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक कुछ ना खाया जाए तो जिस्म के अंदर जो माइक्रोब बैक्टीरिया होते हैं वो एक दूसरे को खा कर ख़त्म हो जाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि कैंसर या सरतान का इलाज हो जाता है। और हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसा महीना वाजिब बना के अता फरमाया है कि 30 दिन तक कम अज़ कम हम कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं अज़ान सुबह से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी काफ़ी सारी बदनी और रूही बीमारियां दूर हो जाती हैं। लिहाजा हमने अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र करना है किस मौजू पर कि अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया और हमें मौला की बारगाह के अंदर सुरखरू किया। हम यहाँ पर एक किताब का मुताला कर रहे हैं जो कि लिखी गई है मरजाउद्दीनी अल आला अल राहिल आयतुल्लाह अल उज़्मा अल इमाम सैयद मोहम्मद अल हुसैनी अश्शीराज़ी आलल्लाहु मक़ामहू, तो जो कि हौज़ा रसूल आज़म कुवैत से लुजना सैयद शहदा अल खैरिया की तरफ से छाप की गई है। इस किताब के अंदर हम रमज़ान अज़ीम से मुतालिका काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जो आयत नाजिल फरमाई शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल्लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान हुदल्लिन्नास और हुदल्लिल मुत्तक़ीन, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ताला की कुरान मजीद को हुदल्लिल मुत्तकीन करार दिया गया है और रमज़ान अज़ीम के रोज़ों को हिदायत करार दिया गया है तमाम खल्क के लिए, इसके अंदर मुत्तकी के बग़ैर भी होगा। अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं शहर रमज़ान, इसकी क्या फजीलत है। सबसे पहले जो अल्लाह तबारक व ताला ने अमल फरमाया है उसको जाहिर फरमाता है अल्लाह ताला और फरमाता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, शहर रमज़ान इसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया है। और दूसरा काम क्या है किया गया है, हुदल लिन्नास,
लोगों के लिए इसमें हिदायत करार दी गई है। अल्लाहु अकबर। वबय्यिनातु मिनल हुदा वल फुरकान, और इसमें हिदायत की खुली निशानियां रखी हुई हैं। वल फुरकान और हिदायत की फ़र्क करने वाली निशानियां इसमें वाज़े तौर पर मौजूद हैं। आप खुद ही देखिए, रमज़ान अज़ीम आता है, गुनाहों की तादाद में कमी हो जाती है। देखें, अब हम गौर और दिक्कत के साथ तवज्जो करें तो रमज़ान का कलेमा अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में एक मरतबा ही फरमाया है। आप गौर कीजिए, सर्च कीजिए, अपने आप तलाश कीजिए। इसमें हमें कुरान मजीद के अंदर हमें मिलेगा कि रमज़ान जो है वो एक ही मरतबा आया है। और वो कौन सी आयत है, वो कौन सी जगह पर आया है? वो हमारे पास जो आया है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में आया है। और वो आया है शाहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। शाहर रमज़ान वो है जिसके अंदर नाजिल किया गया है क़ुरआन को। क़ुरआन की सिफत क्या है? हुदल्लिन्नास। क़ुरआन हिदायत देता है लोगों को। एक मरतबा अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा क़ुरआन नाजिल किया जो कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह हुदल्लिल मुत्तकीन। एक कुरान ऐसा करार दिया गया जो कि सिर्फ मुत्तकीन को हिदायत देता है। अल्लाहु अकबर। और एक कुरान ऐसा करार दिया जा रहा है जो हुदल्लिन्नास है, लोगों को हिदायत देता है। वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। बस जो फमन शाहिद मिनकुम अश्शहर फलयसूम। बहस हमारी चलती रहेगी, बात चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना क़िबला सैयद अली अब्बास रिज़वी इलाह आबादी साहब, मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। या अली मदद। औला अली मदद। क़िबला कैसे हैं, खैराफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। मौला आपको सलामत। आप जैसे बुजुर्गान की दुआएं हैं जो सरजमीन मुकद्दस पर इस वक्त मौजूद हैं, उनकी दुआओं उनके मोहताज हैं। मौला आपको सलामत रखें। बुजुर्गवार आप हैं जनाब, हम आपसे फैज़ हासिल करना चाहते हैं आज के दिन में। और रमज़ान अज़ीम की आमद आमद है और मौकियत यही थी कि जनाब आयतुल्ला शिराज़ी साहब की वफ़ात का दिन 28 शाबानुल मौज़म कल गुज़रा और ये दिन चल रहे थे रमज़ान अज़ीम की मुनासिबत से। जनाब आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक हुसैन हुसैनी अल-शिराज़ी मुद्दा ज़िल्लहुल आली साहब ने फरमाया खिताब, तो मैं चाहूँगा इस इन दो मुनासबतों को जमा करके हम अर्ज़ ये करना चाहेंगे कि आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब की आपने तकरीर में से जो अख़्ज़ किया, आपने कौन से ऐसे नुक्ते को पाया जो अमूम नास के लिए बहुत मुफीद हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करना चाहता हूँ कि क्योंकि हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद सादिक शिराज़ी मुद्दज़िल्लहुल आली के खिताबत के बाज़ नुकात को पेश करना है, इसलिए थोड़ा सा आपकी शख्सियत पर रोशनी डाल दें, उसके बाद आपकी तकरीर के बाज़ गोशों को बयान करूँगा। चूँकि जनाब आयतुल्लाह सादिक शिराज़ी साहब का ये दस्तूर है हफ़िज़ुल्लाह ताला कि हमेशा बहुत मखसूस मुनासिबतों पर वो मुबल्लिगीन के दरमियान तकरीर करते हैं। ये माह मुबारक से पहले, माह मुहर्रम से पहले इनकी तकरीरें जो होती हैं वो बहुत अहम होती हैं, इसीलिए इन तकरीरों में बहुत से ख़ास नुकात बयान होते हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। लेकिन आपकी शख्सियत को अगर बहुत मुख्तसर में पेश करना, चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं है और जाहिर सी बात है आपकी तकरीर की तहलील करना और उस पर तबसरा करना ये उसके लिए बहुत कम टाइम है, लेकिन इस कम
मौके में और कम मुद्दत में जो बात मैं पेश कर सकता हूँ, उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आपकी शख्सियत पर रोशनी डाली जाए। आपकी शख्सियत में चंद खसूसियात बहुत ही नुमाया हैं। एक सादा ज़िस्ती, दूसरे आपका विलायत और इश्क अहले बैत, तीसरे शुजात और चौथे आपकी बसीरत। और हर एक को अगर बयान किया जाए तो हर एक उनवान के लिए, आपकी शुजात के लिए, आपकी बसीरत के लिए, आपकी विलायत और इश्क अहले बैत के लिए, आपकी सादा ज़िस्ती के लिए, हर टॉपिक के लिए आधा आधा घंटा चाहिए। लेकिन इसी तकरीर के ज़िम्न में मैं आपकी सादा ज़िस्ती और आपकी बसीरत को बयान करना चाहता हूँ। और इश्क अहले बैत, जाहिर सी बात है, उसको मिसाल में बयान किया जा सकता है। इससे बेहतरीन दलील यह है कि आप हद दर्जा शायरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं और उससे मुतालिक अफराद का एहतराम करते हैं। आपकी बसीरत ही है कि जिसकी बुनियाद पर आप इस खास मौकों पर तकरीर करते हैं, और तकरीर में जो जुमलात आप और जो अनावीन इंतखाब करते हैं, वो अनावीन बहुत अहम होते हैं। अगरचे वाह, मैंने तकरीर को अव्वल से आखिर तक सुना है, शुरू से लेकर आखिर तक सुना है, तकरीर मुश्तमिल है सिर्फ दो बातों पर, सुभान, एक तस्किये नफ्स वाह और तरवीज़ नफ्स, वाह, और दूसरे तबलीग इस्लाम नाम। ये सुभान, दो अहम पॉइंट हैं कि जो इसमें, इस पर हजरत आयतुल्लाह ने जोर दिया। लेकिन अगर देखा जाए और गौर किया जाए तो आपकी तकरीर में बेबहा बेशबहा नुकात हैं, बड़े कीमती नुकात आपने बयान किए इस मुख्तसर से वक्त में, इसके जिम्न में। और आपकी बसीरत का अंदाजा हम और आप यहीं से लगा सकते हैं कि आपने जब तरवीज नफ्स की नसीहत की है और तस्किये नफ्स की नसीहत की है, तो उसके लिए आपने नहजुल बलागा का वो मकतूब इंतखाब किया है कि जो आपने लिखा है अपने नुमाइंदे उस्मान बिन हुनैफ के नाम, कि जो आपके गवर्नर थे मिस्र में। जाहिरन वो खत नंबर 145 है जिसके जुमला आपने ये बउनवाने नमूना इंतखाब किया कि इन्नमा हिया नफ्सी अरूहा। ये खुद इंतखाब बता रहा है कि हजरत आयतुल्ला हमें और आपको किसी खास नुक्ते की तरफ मुतवज्जे करना चाहते। देखिए, वाह, माह मुबारक रमजान करीब है। माह मुबारक रमजान एक अहम मौका और मुनासिबत है, एक अहम महीना है, एक खास मौका है अपने नफ्स को काबू में करने का। तरवीज और अरूहा, जो मौलाए कायनात कहने कि नफ्स की तरवीज, नफ्स के तस्किये का बेहतरीन मौका और बेहतरीन महीना है माह मुबारक रमजान की, जिसमें हम अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नफ्स पर काबू पा सकते हैं। वाह, और चूंकि इसमें परवरदिगार आलम ने जो हमें और आपको तमरीन करने का मौका दिया, ये कि हमको उसने ये तालीम दी कि हम हलाल चीजों से परहेज करके अपने नफ्स को तैयार करें, नफ्स को काबू में रखें। जाहिर सी वाह, बात है, जब हमारे अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो जाएगी कि हम हलाल चीजों से अपने नफ्स को रोक सकते हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने नफ्स को हराम चीजों से रोकने पर भी काबू पा सकते हैं। वाह, और अगर नफ्स को हमने अपने कंट्रोल में ना किया, समझ लीजिए कि नफ्स इतना खतरनाक जानवर है, इतना खतरनाक ऐवान हो जाता है कि अल्लाह, जो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है, माशरे को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए वाह, इस हैवान चमोश को, इस खतरनाक जानवर को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। अगर हमने अपने नफ्स को कंट्रोल में कर लिया तो ऐसी सूरत में हम इस पर सवार रहेंगे, और अगर खुदा न खास्ता हम नफ्स के कंट्रोल में चले गए तो ऐसी सूरत में हमारी मेहार, हमारी लगाम वो शैतान के हाथ में होगी। शैतान जिस तरफ चाहेगा हमें ले जाएगा। बेशक, लिहाजा हमारे लिए जरूरी कि हम अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में रखें, ताकि हम नफ्स पर सवार रहें, शैतान को अपने नफ्स पर सवार ना होने दें। और जब नफ्स वाह, की मेहार हमारे हाथ में होगी, तो जब भी वो गलत रास्ते की तरफ बढ़ेगा, गलत चीजों की तरफ कदम उठाएगा, गलत मनाजिर की तरफ नजर उठाएगा, तो फौरन वहां पर हम तवक्कुफ कर लेंगे और अपने नफ्स को और अपने इस नफ्स अम्मारा को रोक सकते हैं उस मंजिल की तरफ बढ़ने से। वाह, इस मंजिल पर अगर आप गौर करें तो हजरत आका ने जिस तीजबीनी और जिस बसीरत के साथ वाह, आपने इस मकतूब को मुंतखब किया है, हमारी नजर में ये बहुत ही खास नुक्ता है आपके इस मकतूब को मुंतखब करने का।
ये मक्तूब किसको लिखा मौलाए कायनात ने? उस्मान बिन हुनैफ को। ये नुमाइंदे थे। उस्मान बिन हुनैफ ने किया क्या था? एक दावत में चले गए थे। दावत में, जिस दावत में गए थे, जाहिर सी बात है वो दावत जो है वहां पर गए थे जहां, जो ऐसे ऐसी दावत में गए थे जहां पर जाना हलाल था, लेकिन बस चूंकि वहां उस दावत में रंग व लुआब ज्यादा था, इसलिए मौलाए कायनात ने उनकी तंबीह की और अल्लाह खुद बताया कि मैं खुद अपने नफ्स को कंट्रोल में करता हूँ, अपने नफ्स की तरवीज करता हूँ, तस्किए नफ्स के लिए ये काम अंजाम देता हूँ, अपने नफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। वाह, ये मक्तूब ऐसे मौके पर और मुबल्लिगीन के दरमियान, अब आप देखें कि इस तकरीर में जो अहम तरीन गोशा मैंने अर्ज किया है वो कि मुबल्लिगीन के दरमियान खिताब हो रहा है, बहुत तफसील से गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, जो इजमाल के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं उस इजमाल में बहुत ही तफसील पाई जाती है अगर हम और आप गौर करें तो। जहां एक तरफ मौलाए कायनात ये मुबल्लिगीन को पैगाम दे रहे हैं और ये पैगाम दर हकीकत इस्लामी हुक्काम के लिए है कि इस्लामी हुक्काम खुद सादा जिंदगी गुजारें, वहीं इन मुबल्लिगीन के मजमे में इस मक्तूब को इंतखाब करना खुद ये बता रहा है कि हजरत आगा एक पैगाम पहुंचाते हैं, पहुंचाना चाहते हैं मुबल्लिगीन के नाम भी, कि मुबल्लिगीन को भी सादा ज़िस्ती अपनानी चाहिए, इसलिए कि आज जो हमने माशरे में रहकर अपने तजर्बात से देखा है, लोग उलमा से, लोग मौलवियों से दूर हो रहे हैं, बेशक लोग कट रहे हैं, लोग दूर भाग रहे हैं उलमा और मौलवियों से। उसकी एक वजह यह भी है कि उलमा के अंदर उन्होंने सादा ज़िस्ती नहीं देखा है, उलमा दुनिया परस्त होते चले जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर लोग इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। मौलाए कायनात तो अगरचे ये पैगाम एक अपने नुमाइंदों को दे रहे हैं, हम और आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए पैगाम है जो जिन हाकिम है, जो मसलन हुक्काम इस्लामी शुमार होते हैं, जो हुक्काम इस्लामी के नुमाइंदे शुमार होते हैं, उनके लिए पैगाम है। लेकिन अगर बेशक हम और आप अपने ऊपर गौर करें, यानी मुबल्लिगान इस्लाम, मुबल्लिगान दीन, ये भी क्या है? कौम की कयादत कर रहे हैं, उम्मत की कयादत कर रहे हैं, ये कौम के लिए एक उलगू है, कौम के लिए एक आइडियल है। तो जाहिर सी बात है जिस कौम में लोग भूखे रह रहे हो, जिस कौम में लोगों के पास पहनने को लिबास ना हो, उस कौम के दरमियान बिल्कुल ठाट बाट की जिंदगी लोगों को हमसे नफरत करने का बाइस बन सकती है, लोग हमसे नफरत करने लगेंगे। आज हालात जो है वो ये है कि लोग रूहानियत से भाग रहे हैं, उलमा से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? चूंकि उन्होंने देखा कि ये उलमा की जो हमें हमेशा जोहद तकवा और परहेजगारी और सादा ज़िस्ती की दावत देते हैं, इनकी जिंदगी ऐसी शान और शौकत वाली है कि जिससे कहीं से अंदाजा नहीं होता है कि वाकई में ये इस्लाम नाब के मुबल्लिग हैं। वो कुरान और इस्लाम हमें कहीं नहीं मना करता कि हम ठाट बाट वाली जिंदगी से दूर रहें, हम भी अच्छे से जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जिस कौम में लोगों के पास मसलन मामूली जिंदगी के वसाइल ना हो, उस कौम में हम एक पुरासाइश जिंदगी गुजारें, एक ठाट बाट वाली जिंदगी गुजारें, लोगों के पास चलने के लिए मसलन मोटरसाइकिल ना हो, हम अपने चलने के लिए फॉर्चूनर खरीद लें, तो हर एक की आंख जो है हमारी तरफ फटी रह जाएगी कि भाई ये मौलाना साहब किस तरह के कायद हैं, किस तरह के रहबर हैं कि जो इस तरह की शान शौकत। खूब यही काम हमारे छोटी मोटी गाड़ी से भी हो सकता है, हमारा ये काम जो है मामूली चार पहिया से भी हो सकता है। तो बहरहाल ये उस्मान बिन हुनैफ को मौलाए कायनात ने तरवीज जो नफ्स की दावत दी और उस दरमियान तरवीज नफ्स के मरहले में अपना आइडियल पेश किया कि मैं अपने नफ्स को तरवीज करता हूँ, मैं अपने नफ्स को महार करने की कोशिश करता हूँ। उसकी वजह मौलाए कायनात ने जो उसकी हिकमत बताया, उस हिकमत की तरफ भी इशारा करता हूँ, फिर उसके बाद आपके बयान के दूसरे गोशे की तरफ आता हूँ। आपने इस अपने अमल की हिकमत जो बयान फरमाया, उसमें ये बयान फरमाया कि चूंकि अवलन मैं ये काम करता हूँ, अपने नफ्स को महार करता हूँ ताकि कयामत के दिन मैं महफूज रहूँ, मामून रहूँ, महफूज रहूँ कयामत के दिन, उन जगहों पर जो मजल्लात कहे जाते हैं उन जगहों पर मैं बच जाऊं, महफूज रहूं। दूसरी चीज ये है कि जो हाकिम है, जो सरबराह है, जो पेशवा है, जो कायद है, उनके लिए जेबा नहीं देता है कि जहां पर लोग भूखे रहें, जहां पर लोगों के पास सही से पहनने को लिबास ना हो, वहां पर वो ऐसी जिंदगी गुजारें, एक हाकिम इस्लामी को जेबा नहीं देता है। और तीसरी वजह
फरमाते हैं कि अगरचे हाकिम इस्लामी मैं ना भी हूं, उसके बावजूद बिलफर्ज मैं हाकिम ना होता, लेकिन मैं अपने लोगों से, इंसानों से इतनी मोहब्बत करता हूं, मैं इंसान दोस्त हूं, इंसानियत के नाते मुझसे ये नहीं हो सकता है कि लोगों के पास खाने को ना हो, लोगों के पास पीने को ना हो और मैं ऐशो आराम से जिंदगी गुजारूं। मौलाए कायनात लोगों के जहनों से एक शुभा और साफ करना चाहते हैं इस मंजिल पर कि देखो मैं ऐसा नहीं हूं कि मजबूर हूं इस मंजिल पर कि ऐसी जिंदगी गुजारूं, मजबूर नहीं हूं। मैं चाहूं तो बेहतरीन गजा अख्तियार कर सकता हूं, मैं चाहूं तो बेहतरीन लिबास अपना सकता हूं, मैं चाहूं तो बेहतरीन सवारी अपने लिए मुंतखब कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने नफ्स को महार करता हूं, इन चीजों से दूर रहता हूं। और फिर एक जुमला वाकई में हम मुबल्लिगीन के लिए एक जुमला इस मक्तूब में बहुत ही काबिल गौर है कि अअक्नउ मिन नफ्सी बअन युकाल हाज़ा अमीरुल मोमिनीन वला उशारिकुम फी मकारिहित तह। क्या ये ज़िबा देता है कि बस मैं इसी बात पर मुतमईन हो जाऊं कि लोग हमको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं और मैं उनकी मुश्किलात में शरीक न रहूं। यहां पर मैं एक गोशा ये पेश करना चाहता हूं कि मुबल्लिगों को इस बात से मुतमईन नहीं होना चाहिए कि अवाम उनका हाथ चूम रही है, मौलाना साहब और रहमतुल्लाह कह रही है, इससे मुतमईन नहीं होना चाहिए। एक सानिया लूंगा, एक सानिया लूंगा, एक मिनट बाकी है करो प्रोग्राम के इख्तिताम होने में, चाहूंगा कि आप अपने लुबे कलाम को पेश कीजिए ताकि मोमिनीन एक नतीजा ले सकें। बिस्मिल्लाह, एक मिनट है प्रोग्राम खत्म होने में, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। इस नुक्ते को मैं खत्म यहीं पर करता हूं कि मौलाए कायनात इस माह मुबारक रमजान के मौके पर हजरत आयतुल्लाह उज़्मा शिराज़ी ने जो मौलाए कायनात के मक्तूब से ये तरवीज नफ्स और तस्किए नफ्स का गोशा पेश किया है, इसे हम और आप अपनी जिंदगी में और बिलखसूस इस माह मुबारक रमजान में जहाँ पर नसीहत कबूल करने के लिए हमारे कुलूब तैयार होते हैं, आमादा होते हैं, ऐसे मौके पर हमको अपने लिए इस कलाम को सरनामे सुखन करार देना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए कि इसे एक महीने में हम अपने नफ्स को बाकायदा कंट्रोल में कर लें अपने, ताकि सलामत रहे, आगे चल कर ये हैवान-ए-तमुश्तों को नुकसान न पहुंचाए। मौला आपको खुश रखें, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यारा बयान बहुत मुफस्सल अंदाज में बयान किया। किबला जनाब आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैन हुसैनी शिराज़ी साहब के बयान को मुफस्सल तौर पर बयान करने की कोशिश की। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और उलमाए हक्का का साया हुज्जत खुदा की खिदमत के लिए हमेशा हमारे सामने साबित रहे। खुदावंद मुताल हम पर रहमत नादिल फरमाए। आए मौला के दहूर की दुआ करें, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। I'm not afraid to die.